और एक चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च है, एक चाय का चमचा हल्दी है, और उसके साथ साथ गार्निशिंग के लिए अदरक एक इंच का टुकड़ा और हरा धनिया के कुछ पत्तियां ली हैं, और इस्तेमाल होगा ईवा, ये वही जाएगा जो मैं दो चमचे लेती हूँ पकाने वाले। अच्छा अब आ जाए जो असल अचार का मसाला होता है वो मैं स्टार्ट ले रही हूँ वहाँ से। ये है राई, आधी चाय की चमची, मेथी दाना आधी चाय की चमची, कलौंजी आधी चाय की चमची, साबुत धनिया आधी चाय की चमची, सौंफ आधी चाय की चमची, और भुना हुआ जीरा कुटा हुआ एक चाय का चमचा। इसको अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। और पांच और चार हरी मिर्च ले लीजिए, चार हरी मिर्च पांच भी ले सकती हैं, चार ले। इसको मसाले के साथ में भरूंगी, और कैसे भरूंगी ये भी आपको दिखाऊंगी। आइए चलते हैं, लेकिन उसमें ये भुना कुटा जीरा शामिल नहीं होगा। ये मसाला लूंगी, इसको मैं क्रश करूंगी थोड़ा सा इसको मोटा मोटा सा दरदरा। आइए चलते हैं कुकिंग की तरफ। सारे मसाले जाएंगे, राई जाएगी, अच्छा मेथी दाना जाएगा, कलौंजी जाएगी, साबुत धनिया जाएगा, सौंफ जाएगी, ये मसाला जाएगा, और इसको बाद में इसके साथ मिलाएंगे। अभी आपके सामने मसाले की पोजीशन आपने देखी, इसमें से मैं ये कटोरी ले रही हूँ, आपके सामने ये स्पून ले रही हूँ, इसमें मैं ये लूंगी थोड़ा सा मसाला शामिल करूंगी मिर्च में। ये आपने भी सफेद कुटा जीरा लिया था जी, ये इसमें चला गया, समझ लें आप, ये क्योंकि ये भुना हुआ था वो बाहर भुना लेना है। अच्छा आपने हल्का सा दरदरा किया इसको, हल्का से किया। अब ये मैं भरूंगी इन्हें मिर्चों में, उसके लिए लूंगी मैं, ये एक तरीका कार होता है बेटा बस अपना अपना। सॉल्ट दूंगी थोड़ा सा, देखिए हर चीज़ का बेटा कायदा होता है। और इसको मैंने चाक कर लिया बीच में से, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि लोग कुछ मिर्च के बीज निकाल देते हैं, और मिर्च का बीज जब तक मौजूद होगा आपको डायरिया नहीं होगा। ये
ये एक अल्लाह ताला ने हर चीज़ इसमें बनाई हुई है, आपको डायरिया नहीं होगा, आपके बीज रहेंगे, हरी मिर्च का बीज आपके पेट में होगा तो वो आपको सेफ्टी पैदा करेगा। और वाइटामिन सी का मंबा है, वाइटामिन सी ये मिर्च आखिर में जब भून रहे होंगे तो ये डाली जाएगी, तो जब निकाल कर ये खाते हैं तो बड़ा टेस्ट देती है। तो वो देख रही है मसाले की कैसी अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है चार डालना है अभी से ही। फिर आ गया ना उंगली का इस्तेमाल, क्या करें, कोशिश करती हूँ, लेकिन ये जो हाथ का इस्तेमाल होता है वो बेटा पूरी मुकम्मल इसके अंदर चली जाएगी। अब आ जाएं इसी में ही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया दही, नोट कीजिएगा, ये पाव दही है, सॉल्ट, गरम मसाले वगैरह जो सारा पीसा था मैंने, ये सारा सौंफ वगैरह सारे मसाले, लहसुन अदरक, लाल मिर्च, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा धनिया, ये सब चला गया अंदर। अब आपके पास देखें बचा क्या है, प्याज और टमाटर, तेल और गार्निशिंग का सामान। अब आपने क्या करना है, ये आपने सब लेकर इसको हाथों से मिक्स कर देना है इसके अंदर गोश्त में, और आधा घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना। इसको लगाने के बाद आधा घंटे आप इसको छोड़ देंगे, उस दौरान अगर आप मैं जो उस दौरान सिर्फ काम करूँगी ये करके मैं हट जाऊँगी, आपको सामने दिखा के टमाटर उसकी प्यूरी बनाऊँगी मैं, प्याज का उसका मसाले में इतना डालने के लिए ये रेडी कर दिया गया है, बस मिक्सिंग हो गई। और गर्मी हो तो फ्रिज में रख दें लगा के? नहीं नहीं नहीं, गर्मी हो तब भी बाहर रखे, इसमें लहसुन अदरक चला गया, दही चला गया, नहीं खराब होता। आप मछली वालों को देखते हैं मसाला लगा के रखते हैं और रखी रहती घंटों। अच्छा मम्मी, इसको जैसे ये है आप इसको सिर्फ फ्राई करें तो क्या ये खा सकते हैं फ्राई करके? इसमें गलावट नहीं है, तो गलावट अगर आप खाने अगर आप करें तो या तो कचरी शामिल करें या पपीता, फिर आप इसको इस मसाले को लेकर अगर आप फ्राई कर सकते हैं तो वो भी मजेदार चीज बनेगी भाई, ऐसा भी बनाऊंगी किसी दिन। चले एक रेसिपी नहीं है तैयार हो जाएगी। ये मिक्सिंग हो गई, इसको मैंने छोड़ दिया आधे घंटे के लिए, सब मैरिनेट मसाला करके तैयार करके आपको दिखा दिया। ये इसको हम अलग रखते हैं, और रखने के बाद अब आपने आपको दिखाते हैं प्याज और उसकी प्यूरी बना के हाथ धो लूँ मानी नहीं बेटा। इसको हम डालेंगे इसमें, देखेंगे अगर टमाटर में ज़रूरत पड़ेगी पानी की और प्याज में तो मैं डालूँगी, ऐसे भी तो ऐसे ही कोशिश कर रही हूँ, होती है होता है क्रैश तो फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँ। अच्छा अम्मी क्रैश नहीं प्यूरी, नहीं इसको पीसेंगे तो प्यूरी बनेगी ना, पहले क्रैश ही तो होगा ही, जब क्रैश होगा फटेगा उठेगा तब तो निकलेगा बेटा, असल तो यही है बना। ये देखिए इसको मैं आपके सामने बिस्मिल्लाह में बना रही आप लोगों के सामने दरमियानी आंच रखी मैंने, हाई फ्लेम नहीं करा बहुत ज्यादा, और आपके सामने मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये देखिए जोड़ लेती हूँ, अब जो ये मैं डालूंगी इसमें डालूंगी टमाटर और प्याज की प्यूरी। अच्छा आप 25 मिनट बाद आ रही है जी, ये आप दिखाएं ना वो रखा हुआ है मैरिनेट हुआ, अब ऐसे मैं भूनूंगी, जब ये भून जाएगा फिर आपसे मिलूंगी। प्याज और टमाटर की प्यूरी बिल्कुल भून लूंगी मैं, फिर आपसे मिलती हूँ। अब कितने मिनट लगते हैं वो मैं आपको बता, 3 मिनट में माशाल्लाह। ये देखिए आप इसने ऑयल छोड़ दिया है, जब ऑयल छोड़ दिया है भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त। Thank you.
लिया है इसके अंदर। अभी मैं इसे दस से चलाऊंगी, इसमें पानी शामिल करूँ। दो दांत का बकरा है, 14 महीने में दो दांत होते हैं बकरों के। ये गलेगा तकरीबन 35-30 मिनट में, और वैसे अगर दो चार दांत का बकरा होता है तो ये तकरीबन 1.5 घंटा लेता है गलने में। गोश्त के बता रही हूँ पहचान आपको, आप लोगों को गोश्त की पहचान बता रही हूँ कि जो गलता है, दो दांत का बकरा होता है वो गलता है 25-30 मिनट, कभी 35 मिनट भी, और 1 घंटा जो लेता है से 1.25 घंटा वो लेता है चार दांत वाला बकरा। तो अभी आप कितनी देर तक रखेंगे इस चूल्हे पे? मैं अभी इसको बस ये हो गया, अब इसमें डालूंगी 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है इसको तो होना ही है ऑयल इसका निकलना है, क्योंकि इसमें पानी में शामिल 1.5 गिलास इसी में गल जाएगा, इसकी पहचान है हमें। और कितनी आप 1 घंटा आधा घंटा? नहीं 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 30 मिनट आधा घंटा, हाँ 30 मिनट तकरीबन इसको मैं गलाऊंगी, ये गल जाएगा फिर आपसे मिलते हैं। मिर्चों को भर के क्यों डालना है? वो तो सब इसमें हो जाएंगे। नहीं होता रहता मसाला अंदर रहता है भाई, कम कम खाते ना, ज्यादा खाएं तो ज्यादा भी रखें बेटा, जाया नहीं होना चाहिए। चार बहुत हैं, चार अपराध हैं सर में हमारे यहाँ, पाँच भी रख सकते हैं, मैंने आपको कहा 6-7 नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं, जितना ये गोश्त 1 किलो में 3-4 ही रखी जाती है, 4-5 ही, 3-4 बस ऐसे ही रखी जाती है। खोल आएगी तो बताइए। देखिए आ तो रहा है बेटा, खोल जोश आ रहा है, बस तो मैं बस आपके सामने भी धीमा करूँगी। देखिए आ गया, अब इसमें रखेंगे इसका गैप, बस वो करेंगे धीमा। मसाले की तो सारी मजा है, अचार की खुशबू ही खुशबू पूरे घर में माशाल्लाह हो रही है, कहा लजीज चीज तैयार हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अभी इसमें मैं आपके सामने क्या शामिल करूंगी आप देखते जाएं। ये जनाब अदरक जाएगी, बनाएं पकाएं माशाल्लाह, घर वालों को खिलाएं, खुद भी आप अच्छा महसूस करते हैं जब घर के लोग खाते हैं तो, और तारीफ होती है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हाँ भाई हमारी किसी ने तारीफ करी है। ये बड़े बड़े पत्ते डाले हैं देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिखाएं बेटा अचारी गोश्त। मैं तो हमेशा हमारे यहाँ अचारी गोश्त खाया जाता है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।